फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा चैनल है स्विमिंग बाय मनी, दूसरा है टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो है, मतलब कि स्विमिंग के जितने भी शौक है ना, वो सारे बताऊंगा और बकायदा बताऊंगा भी कैसे करने हैं, मतलब कि हाथ मूवमेंट कैसे चलती है, हेड कितना बाहर रहता है, कितना अंदर रहता है, ठीक है। ये सारी वीडियो इसी के ऊपर है। और इससे पहले मैं एक बंदे का कमेंट का रिप्लाई देना चाहता हूँ। एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था जब मैंने स्विमिंग टिप्स के बारे में बताया था, वो कह रहा था आप एक चीज़ बार बार बता रहे हो। वो मैं इसलिए बता रहा था भाई मेरे, ताँ जो कई बंदे कई वीडियो नहीं देख सकते, वो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, उनको नहीं मिलती, उनको उसमें मतलब कि एक्स्ट्रा मैं कुछ बताया होता है उसमें, वो पुरानी चीज़ भी मैं रिपीट इसीलिए करता हूँ ताँ जो आपको रिमेंबर हो जाए, ठीक है। जो बंदे मेरी स्विमिंग सीख देख के मेरे स्विमिंग मेरे चैनल से स्विमिंग सीख रहे हैं, उनको बेनिफिट मिले, वो जल्दी से जल्दी स्विमिंग सीखे, बेस्ट से बेस्ट सीखे। इसलिए मैं टिप्स बार बार बताता हूँ ताजे उनको याद रहे, ठीक है। अभी आप देख सकते हो स्प्रिंटें चल रही हैं, इसको स्प्रिंट कहते हैं, जिसमें पूरा एफर्ट लगता है, ठीक है। वार्म अप चिंटू कर रहा है, मैं उसके सारी दिखाऊंगा, जो जिस लड़के की मैं स्विमिंग दिखा रहा हूँ उसको मैंने ट्रेंड किया है, प्रज्वल चिंटू, जिसको आप जानते ही होंगे। तो अभी उसकी प्रैक्टिस चल रही थी, आज संडे है, तो अभी थोड़ी देर बाद मैं लाइव भी आऊँगा, तो मतलब कि ये तो वीडियो सोमवार को मिल रही होगी आपको। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको लगभग सारा कुछ मिलने वाला है, मतलब कि सभी स्ट्रोक आपको, अगर कोई दिक्कत हो रही है, आपके पैर गल चल रहे हैं, जैसे मुझे व्हाट्सअप ग्रुप में बताया था कि वीडियो भेजी थी भाई ने मुझे, उसकी फ्री बहुत अच्छी लगी भाई मुझे, तूने जो देखे सीखा बहुत अच्छा, वेल डन, ऐसे ही अपनी ग्रोथ करते रहो। और ब्रेस्ट स्ट्रोक में तेरे पैर गलत थे, तेरे हैंड मूवमेंट भी गलत थे, हैंड नीचे तक कभी नहीं आते ब्रेस्ट में, बस हैंड आगे आगे तक चलते हैं ब्रेस्ट में, और पैर तेरे गलत थे, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा गौर से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में भी आपको पता लग जाएगा, पूरा दिखाया, बैक में, फ्री में, बटरफ्लाई में, सारे स्ट्रोक बताया। बटरफ्लाई में यहाँ तक हाथ नहीं आते, यहाँ तक रहते हैं, पर चिंटू को इस चीज़ की आदत हुई है तो इसलिए थोड़ी देर लगेगी छूटने में, पर मैं अभी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट अच्छी लगे तो लाइक कर देना, उससे भी पहले अगर आपका कोई भी मतलब कि सवाल या कमेंट है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबका, व्हाट्सअप का ग्रुप भी है, लिंक है। अगर ग्रुप बाई चांस नहीं काम करता तो कुछ टाइम बाद कर लेना, ज्वाइन हो जाएगा। और ग्रुप के ऊपर आप कुछ भी फालतू की वीडियो मत डालना, मोबाइल से रिलेटिव अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लेना, और स्विमिंग से रिलेटिव है तो पूछ लेना, अदरवाइज़ फालतू कुछ मत डालना, क्योंकि मैं तुरंत व्लॉग मार देता हूँ। रिक्वेस्ट है, क्योंकि ग्रुप में फीमेल, मेल, बच्चे छोटे सारे जुड़े होते हैं, तो उसमें फालतू का मैं चाहता हूँ कुछ भी ना आए, तो ग्रुप को मेंटेन रखने के लिए दिक्कत होती है, कईयों को बुरा लगता है, तो उसके लिए सॉरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आई होप कि आप में इस वीडियो में आपको कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्री का देख सकते हो आप, ये प्रैक्टिस टाइम चल रहा है, हाथ देख लो सेम इतना मारना है, और सांस लेते समय आपने सिर्फ हल्का सा फेस बाहर निकालना है, ये चेक कर सकते हो। ये प्रोफेशनली आपने इसी चीज़ के मतलब कि राउंड मारने, जैसे कि अभी चिंटू 20 राउंड मारेगा, ये वार्म अप कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आपने सिर्फ राउंड मारने हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और बतानी है कि जब आप फ्री स्टाइल करोगे, जिसकी प्रैक्टिस करोगे, तो सांस दोनों साइड लेना। अगर आपने एक साइड सांस लिया तो आपका जो बाजू है वो एक साइड ज़्यादा रिलैक्स रहेगी, एक साइड आपकी थोड़ी दिक्कत कर सकती है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया फ्री स्टाइल का, फ्री स्टाइल में आप देख सकते हो। और समर शॉट मारनी है, ये चेक कर सकते हो जाके, आपने समर शॉट मारनी है। सॉरी फ्रेंड्स, समर शॉट दिखाना भूल गया, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। पर फिर फ्री में आप चेक कर सकते हो कि सिर कितना बाहर रह रहा है। मुझे कमेंट आ रहा था ना कि सिर कितना बाहर रखना है, ये देख सकते हो कि इतना बाहर सिर होना चाहिए, मतलब कि इतना जो हल्का रहता है, मतलब कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो आपकी निगाह है वो नीचे होनी चाहिए और आँखें ऊपर होनी चाहिए, जिसके कारण आप आगे देख पाओगे दीवार को। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, समर शॉट आपने देखी होगी, ये आप वाइट में देख सकते हो कि ये लाइन है ना, ये लाइन से यहाँ तक आप जब पहुँच जाओगे तो आपको दीवार दिखनी चाहिए, इसी हिसाब से आपको ऊपर देखना होता है, ठीक है। और हाथ आपको पानी के ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाने, ताँ जो अगर आप पानी के ऊपर लेके जाओगे तो आपकी बॉडी नीचे जाएगी, और जब आप नीचे सीधा चलाओगे उसके कारण आपकी बॉडी को झटका आएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। अब आप समर शॉट पे कंसंट्रेट कर लेना कि समर शॉट मारनी है तो कहाँ से मारनी है, ठीक है। और ये समर शॉट, ठीक है फ्रेंड, समर शॉट मार के तुरंत पैर मारने, उसके बाद डोल फिल करनी है, डोल फिल की प्रैक्टिस करते हैं, अदरवाइज अदर कोई रेस नहीं होती डोल फिल की, ठीक है फ्रेंड्स। और पैर फुट वर्किंग आपने ध्यान रखना है कि फुट वर्किंग आप चेक कर सकते हो, जैसे मैं प्रैक्टिस में बताता हूँ कि फुट वर्किंग सीधी चलानी है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब करते हैं बात हम ब्रेस्ट स्ट्रोक की। फ्रेंड्स, अभी ये ब्रेस्ट कर रहा है, ब्रेस्ट में चेक कर सकते हो कि ब्रेस्ट में ये स्टार्ट लिया जाता है ऐसे, ठीक है। स्टार्ट में भी अगर आप पूछ अच्छे से लेते हो तो आपका काफ़ी बेनिफिट रहता है। ब्रेस्ट में ये दो टेक्निक्स होती है, एक तो लेग्स नहीं खुलती वो, और ये इसमें आप लेग्स हल्की सी खोल सकते हो, ठीक है। तो मतलब कि इसमें नीज जॉइंट रहते हैं, लेग्स खुलती है, ये आप चेक कर सकते हो कि ये कर रहा है, ठीक है। लगभग क्या होता है कि लेग्स बहुत ज़्यादा खोल देते हैं, पैर जो फुट वर्किंग होती है वो अच्छे से नहीं चलती, तो उसमें आपको दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो ब्रेस्ट में आप दोनों हाथ टच करके आपको टर्न वापस लेना होता है,
और आप इसमें समर शॉट नहीं मार सकते। ब्रेस्ट स्ट्रोक में आप समर शॉट नहीं मार सकते। ये चेक कर सकते हो कि एटलीस्ट एक बार मारा तो कितनी दूर तक निकलना है, ठीक है। अब ब्रेस्ट स्ट्रोक आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। ब्रेस्ट में आपके हाथ भी बाहर नहीं आते और पैर भी बाहर नहीं आते, ठीक है। तो बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और ब्रेस्ट में मुझे किसी ने वीडियो भेजी थी, भाई तेरी किक और हाथ दोनों गलत चल रहे थे, ये गलत था, ठीक है। तो अभी बैक दिखाएंगे हम आपको, तो ये अभी बैक करेगा, बैक स्टार्ट कर। तो फ्रेंड्स अभी करनी है बैक, और मुझे लगता है ये बटरफ्लाई करेगा, सॉरी अब ये बटरफ्लाई करेगा क्योंकि मैंने इसको ऐसे ही बताया था बटरफ्लाई करने के लिए। तो बटरफ्लाई में डोलफिल चलती है, डोलफिल की अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो एक चीज़ याद रखना कि जब आप बटरफ्लाई करते हो तो आपकी बॉडी ज़्यादा बाहर नहीं आनी चाहिए, बल्कि चिन के साथ हल्का सा पानी टच होना चाहिए, जो छोटी सी वीकनेस रहती है। चिन के साथ अगर पानी टच हो रहा है तो आप स्मूथ चलोगे और आपका डोलफिल के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बहुत सारी। और इस स्ट्रोक में भी समर शॉट नहीं होती, इसमें भी आपने दोनों हाथ टच करके फिनिश करना होता है। और जब भी आपने टर्न माना है पहले दोनों हाथ क्लियर टच होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये बटरफ्लाई आप चेक कर सकते हो, बटरफ्लाई में हाथ दूर दूर रहते हैं, ठीक है। चिंटो ओए गो। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि बटरफ्लाई में अगर आप थोड़े से हाथ दूर रहेंगे, इतने हाथ दूर रहेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत कम होगी, ठीक है। डोलफिल चेक कर सकते हो, डोलफिल की किक डबल चलती है, इसमें एक पानी के अंदर चलती है एक पानी के बाहर चलती है। और इसमें भी आपको सेम करना है, मतलब कि दोनों हाथ टच करने जैसे ब्रेस्ट में होते हैं। अब आगे बैक स्ट्रोक में, बैक स्ट्रोक में आपको क्या करना होता है, जब फिनिश करनी है तो आपको हाथ टच करना होता है बैक मूवमेंट में ही। अदरवाइज अगर आप फिनिश नहीं कर रहे हो, अगर आपकी पड़ी हुई है तो आप नहीं मारने हैं उसमें समर शॉट मार सकते हो। और इसमें आप फ्री का हाथ नहीं चला सकते, फ्री का हाथ बिल्कुल नहीं होता। कईयों को बहम है कि फ्री का हाथ होता है, फ्री का हाथ नहीं होता, वो बैक का ही हाथ होता है, पर बॉडी हमारी बाहर निकल चुकी होती है जब हम उसको बैक का हाथ चलाते हैं। ये चेक करो, ये बैक का हाथ होता है, ये लास्ट हाथ बैक का जो होता है वो आधा सीधा हो जाता है। उसके बाद डोलफिल करनी होती है, जितनी आपकी स्पीड है उस हिसाब से आप डोलफिल कर सकते हो, ठीक है। ये बैक में आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप फेस ऊपर रखोगे तो आपकी कमर ऊपर रहेगी, ठीक है। अगर आप फेस नीचे कर दोगे तो आपको जानवर या पैर भी नीचे चले जाएंगे, तो आपने ध्यान रखना है। पैर तेज़ चलने चाहिए, अभी ये प्रैक्टिस कर रहे तो इसके पैर अभी स्लो है, और पैरों की प्रैक्टिस भी आपको करनी चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारा। तो अभी फिर से फ्री, तो फ्रेंड्स अभी ये फ्री में आ गया, इसको मैंने वापस इसके काम पे दे दिया, मैंने वीडियो के लिए इसको चार राउंड एक्स्ट्रा मराया। अभी चेक कर सकते हो कि अभी स्पीड में क्या है, इसमें क्या होता है कि इसमें हाथ कम चलते हैं और स्पीड अपनी रहती है। स्पीड आप देख सकते हो कि ये 25 मीटर के राउंड मार रहा है कम से कम, नहीं तो इसने 50 मीटर इसने बैक किया, 50 मीटर ब्रेस्ट किया, 50 मीटर बटरफ्लाई किया, उससे पहले ये काफ़ी राउंड मार चुका है जो आपने वीडियो में देखे हैं। तो अभी ये कंटिन्यू राउंड मारेगा, ये वार्म अप कर रहा है अभी, ठीक है। मतलब कि 20-20 से 25-25 राउंड का ये वार्म अप कर लेगा, उसके बाद ये करेगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या करवाऊंगा इसको, आज हमने करनी है बैक की प्रैक्टिस, ओनली बैक की प्रैक्टिस, जिसमें कि क्या होगा कि इसकी किक के मूवमेंट के ऊपर काम किया जाएगा, इसके हाथों पे काम किया जाएगा, ठीक है ना। ये देखो पानी के अंदर ये जो हाथ चला रहा है वो सीधा नहीं चला रहा, सीधा पानी के अंदर नहीं लेके जाना। अगर आप सीधा लेके जाओगे तो आपको दिक्कत क्या आएगी कि आपका जो हाथ है वो नीचे जाएगा, तो जिसके कारण आपकी बॉडी ऊपर आएगी, ठीक है। आप चेक कर सकते हो कि इसका पानी के अंदर हाथ कैसे चल रहा है, ये चेक कर सकते हो कि पानी के बस खींच के हमने पीछे माना था जो हमारी बॉडी आगे चले जाए। अगर हम हाथ सीधा नीचे लेके जाते हैं तो उसमें दिक्कत क्या होती है, उसमें हम बॉडी हमारी ऊपर आ जाती है जिसके कारण हमें हमारी बॉडी को झटका आता है, ठीक है। वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है, हमारा बॉडी को झटका नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब आपको मैं चिंटू का जो 25 मीटर है वो मैं पूरे दिखा देता हूँ, आप नोट कर लेना कि ये कितनी देर में मार रहा है। रिलैक्स राउंड मार रहा है, तो ये एक राउंड जो है 50 मीटर का आना जाना, ये 53 में 54 के आसपास राउंडली ये ख़त्म करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप चेक देख सकते हो। और हाँ, इसमें मैंने एक बार बार चीज़ बता रहा हूँ कि जब आपने सांस लेना है दोनों साइड लेना है, ताँ जो आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से काम करे। अगर आप एक साइड सांस लोगे तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारा कुछ, और वीडियो का एंड करते हैं। टड़ंग टड़ंग टड़ंग, वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया कमेंट में पूछ सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो उसमें भी पूछ सकते हो। बकायदा आपकी अगर कोई चीज़ कमी नहीं मतलब कि दूर हो रही तो आप मुझे एक छोटी सी क्लिप बना के व्हाट्सअप ग्रुप में डाल सकते हो, तो देख के मैं उसकी रिप्लाई तुरंत दे दूँगा। खासकर वीडियो का रिप्लाई मैं बहुत जल्दी देता हूँ क्योंकि मैं जल्दी देख लेता हूँ वो, वैसे कमेंट में मैं देख लेता हूँ, पर आप पता है ना इंग्लिश में हाथ तंग है मेरा, स्टडी के मामले में थोड़ा वीक हूँ। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करना, टेक्निकल लवली मनी को भी और स्विमिंग बाय मनी को भी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ग्रुप में फालतू कुछ भी मत डालना, टिकटॉक पे जो देखते हैं मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। तो बाय फ्रेंड्स, इसी तरह आपको वीडियो देता रहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बाय, थैंक यू वॉच द वीडियो।